अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम लोग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम कल से एक दिन पहले, मतलब परसों, जो परसों गुजर चुके हैं, हम लोग गए थे एक विलेज में, स्पेन के एक विलेज में। उसका नाम था, वैसे तो इसका नाम जिरोना था। जो स्पेन में रहते होंगे उनको पता होगा, जिरोना भी बोलते हैं और खेरोना भी बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए। खेरोना के अंदर एक और क्या कहते हैं, विलेज है छोटा सा। हम अपनी तरफ से कह रहे थे कि हम शायद टाउन में जा रहे हैं। असल में हम वहाँ पे गए थे कि वहाँ पे 7 आबशारें ना, एक एक ही लाइन में 7 आबशारें बहती हैं। तो हमें अब जो हमने इंफॉर्मेशन ली कुछ लोगों से इधर उधर से इकट्ठी की, वो हमें ये पता चला था कि हम बस अपनी ट्रेन से उतरेंगे और सामने हम आबशारों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के लिए हम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चल के गए और हम तब भी आबशार तक नहीं पहुँचे। उससे आगे 3 किलोमीटर और था। हम सिर्फ अभी वहाँ पे एक वो था, एक पिकनिक पॉइंट था, सिर्फ वहाँ तक पहुँचे थे। ये देखिए, हम यहाँ से ना बिल्कुल एक वीरान सी सड़क पे जा रहे थे और ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली वॉकिंग वे भी नहीं था। हम यहाँ पे चल भी नहीं सकते थे और हम बिल्कुल रोड के दरमियान में सुनसान सी जगह के ऊपर चल रहे थे। आप देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको जो जगह दिखाती हूँ ना, यहाँ से देखिए बहुत घना और गहरा जंगल था हर जगह पे। और यहाँ पे बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई थी, आपको मैं अभी कुछ टाइम में बताती हूँ। हमारे साथ एक बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ हुई थी। देखिए हमारे इर्द गिर्द आगे पीछे कोई भी नहीं है, बस हम सब फैमिली वाले थे और कभी दूर से कोई साइकिल आ जाती थी और बस फिनिश। वैसे हम लोग हमारा कोई प्लान नहीं था, हम प्रिपेयर भी नहीं थे इस चीज़ के लिए कि हम बहुत ज़्यादा चलेंगे। लेकिन बस देखिए हम चल के वहाँ तक पहुँच गए। एक्चुअली हमारे साथ मामा भी थी और फिर हम मेरे साथ छोटा बेबी भी था मेरा, मतलब मेरा 2 ईयर्स का, जो 2 ईयर्स का जो मेरा मुन्ना है वो भी हमारे साथ था। ये देखेंगे यहाँ पे इतना वीरान था, आगे पीछे से कोई आवाज़ नहीं थी। यहाँ नीचे उतर के ना, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, अभी मैं और मेरा भाई हम लोग नीचे गए थे और मेरा जो भाई है उसने वहाँ पे जाके कुछ आवाज़ें की, ऐसे ऊंची आवाज़ में बात की 2-3 बार। और पता है एक और आवाज़ हमें आ रही थी, इतना मतलब हमें इस बात पे हैरत हुई यहाँ पे खड़े होके, वो उस साइड से या इस साइड से हमें एक और आवाज़ आ रही थी। मतलब वो इको नहीं था लेकिन ऐसे फील हो रहा था जैसे अहमद की आवाज़ को कोई रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना सुकून था और इतने मज़े का मतलब इन्वायरमेंट था, वहाँ पे हमें ऐसे फील नहीं हुआ कि शायद यहाँ कुछ कोई और भी चीज़ हो सकती है। लेकिन घर आके हम लोग को ऐसे लगा कि हम इतनी ऐसी जगह से होके आ गए हैं जो बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी। बहुत टाइम के बाद कोई बाइक या फिर कोई साइकिल आ जाती थी, बाइक नहीं एक्चुअली साइकिल आ जाती थी और बस। वैसे ये जगह बिल्कुल वीरान थी और ये बहुत प्यारी सी आबशार थी, लाइक आबशार नहीं आप इसको बोल सकते। आप देख रहे हैं किस तरह से पानी आ रहा है, बहुत अच्छा सा और बहुत मज़े की आवाज़ के साथ ही आ रहा था। और इसकी दूसरी साइड पे जो जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए यहाँ छोटी छोटी सी फिशेज थी। ये पानी गंदा था लेकिन यहाँ ऐसे फिशेज आती थी और जब हम बोलते थे ना तो ये फिश भाग के अपनी किसी और जगह पे चली जाती थी, मतलब वहाँ से हट जाती थी। और जो लोग यहाँ स्पेन में रहने वाले हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं या इन फ्यूचर इंशाल्लाह कभी देखेंगे, उनके लिए ये बात कि अगर आप कभी भी गोर्ग पे जाना चाहें तो प्लीज़ प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करें, अपनी गाड़ी पे जाएं, वहाँ तक पहुँचें अपनी गाड़ी पे और उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाके वहाँ, जैसे हम पहुँचे भी नहीं थे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आप उस जगह पे पहुँच भी नहीं सकोगे और आप अपना प्लान करोगे कि अब हमें वापस जाना है। एक्चुअली हम वहाँ पे अपना होटल भी कोई ढूंढते रहे कि हम रात यहाँ स्टे कर लें ताकि हम सुबह इतने थके हुए नहीं हों और हम सुबह फ्रेश होकर वहाँ आबशार देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमें एक टाइम इतने जल्दी में होटल भी नहीं मिला। और देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ था, यहाँ पे ये इन सब चीज़ों को ना, यहाँ पे गाय बकरी और आपको पता होगा पोर्क जो होता है और चिकन, इनको काटते हैं, मतलब ज़िबा नहीं करते लेकिन इनको काट के और फिर ये दूसरे मार्केट्स में आते हैं। यहाँ बायो आपने लिखा पढ़ा हुआ देखा है, यहाँ पे बायो एक कंपनी का नाम है। यहाँ हम फिर बैठे थे उस ट्रेन पे, हम आए
3 किलोमीटर वहाँ से डिस्टेंस पे, फिर पैदल चल के यहाँ आ गए। हमने कहा कि हम अगले स्टॉप पे जाके रुकते हैं। ये स्टॉप बालदे नूरिया का स्टॉप है, यहाँ से हमें बालदे नूरिया की नेक्स्ट ट्रेन मिल सकती है। और ये देखिए कितना मज़े का यहाँ पे वेदर था, उफ़ इतने मज़े की, मतलब बार्सिलोना में गर्मी है, शदीद गर्मी है, और इस एरिया में इतनी मज़े की वो थी ना, ठंडक थी। और देखिए मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पीछे पीछे होके वीडियो ले रही हूँ। मुझे हाइट से इतना डर लगता है, उफ़ मुझे लग रहा था कि कहीं मैं या मेरा फ़ोन नीचे ही नहीं गिर जाए, लेकिन मुझे वीडियो लेनी थी इसलिए मैं दीवार के साथ खड़ी हो गई थी, वरना शायद मैं यहाँ पे भी नहीं होती। ये देखिए नीचे से एक छोटा सा दरिया गुजर रहा था। ये पहाड़ों से इतनी, इन पहाड़ों के दरमियान में इतनी सारी आबशारें हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। बार्सिलोना में रहने वाले, स्पेन में रहने वाले, कोशिश करिए ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और जिनको ये सांस का मसला या ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो वो प्लीज़ सर्दियों में नहीं जाएं। आजकल जो वेदर है वो बेस्ट है इस जगह के लिए। ये बहुत मतलब यहाँ पे डेंजरस ड्राइविंग है। अगर आपके पास ऐसा कोई ड्राइवर है जिसके ऊपर आप फुल कॉन्फिडेंट के साथ जा सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो आपको है उस पर कि वो ड्राइव कर लेगा इन एरियाज़ में, तब आप जाएं, वरना आप बालदे नूरिया के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। लेकिन रूतादल सेट गोर के लिए आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करें। यहाँ से हम बालदे नूरिया की ट्रेन लेते हैं, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन उस ट्रेन का जो रास्ता है वो, ओह माय गॉड, मैं आपको अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस ट्रेन का और बालदे नूरिया पहुँचने का रास्ता और बालदे नूरिया की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी। प्लीज़ अगर आपको बालदे नूरिया की वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स कर दें।